दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4000 से ज्यादा केस सामने आए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसों को देखते हुए DDMA की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। जल्द ही DDMA से लेकर आदेश भी जारी कर देगा। कुछ नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। सरकारी कर्मचारी होंगे वर्क फ्रॉम होम। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को इससे छूट दी जाएगी। वहीं प्राइवेट ऑफिसेस में भी 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। एम्स ने छुट्टियां रद्द की। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सर्दियों की बची हुई छुट्टियां 5 से 10 जनवरी तक रद्द कर दी है। एम्स ने सभी स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 4099 नए मामले सामने आए। राज्य में अब पॉजिटिविटी रेट 6.46% पहुंच गया। हालांकि इस दौरान 1509 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में 4099 नए मामले दर्ज हुए, जो करीब 7 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। इससे पहले 18 मई को कोविड के 4482 केस सामने आए थे। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।